माशाल्लाह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग का काम शुरू किया और अकेले थे जब शुरू किया और यूँ फैलते फैलते 6 बरे आज़म के अंदर फैल गया। इस काम के पीछे, फैलने के पीछे दो बातें हैं, एक है मुस्बत सोच और दूसरा है मीठा बोल। मुस्बत सोच यानी हर हज़रत जी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब तक हर चीज़ के अंदर से हम मुस्बत सोच नहीं निकालेंगे, उम्मत उस वक़्त तक नहीं जुड़ेगी। मस्जिद के अंदर एक साहब खड़े होकर पानी पी रहे, हज़रत जी बैठे हुए, खादिम भी बैठे, तो खादिम दौड़ा, हज़रत ने पूछा कहाँ जा रहे हो? हज़रत वो खड़े होकर पानी पी रहा है। हज़रत ने फरमाया बैठ जा, तू नियत कर ले कि वह जमज़म पी रहा है। ये है मुस्बत सोच। अम्मा जान हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा को किसी ने कहा कि आप शैतान को बुरा भला नहीं कहती हैं, तो फरमाने लगी रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती कि शैतान को बुरा भला कहूँ। यह है मुस्बत सोच। अल्लाहु अकबर। हज़रत बैठे थे, खाना लगा हुआ था, तो दस्तरखान के ऊपर मक्खी आ गई, तो हज़रत ने फरमाया कि मक्खी के अंदर से निकालो मुस्बत सोच। के तो साथी कहने लगे जी आप ही कुछ फरमा दें, तो हज़रत फरमाने लगे मक्खी ये आकर कह रही है कि यहाँ पर सफाई होने वाली है, आप सफाई कर लो, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। ये है मुस्बत सोच। नमाज पढ़ने के लिए आए तो चप्पल उठाई, पूछा चप्पल क्यों उठाई? कहने लगे जी कि बहुत सारे नमाजी आ रहे हैं, किसी के जूता किसी की चप्पल मेरी चप्पल पर आएगी, इसकी शेप ख़राब होगी, इसलिए उठाई है। ये है मुस्बत सोच। तो जब तक हम मुस्बत सोच के साथ नहीं चलेंगे, उस वक़्त तक उम्मत नहीं जुड़ेंगी। हज़रत जी फरमाते थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों को अपना अपना कह कह के अपना कर लिया, और आज हमने अपनों को गैर गैर कह कह के गैर कर दिया। तो भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जमात के साथ जा रहे तो रास्ते में गंदे पानी का नाला आ गया। हज़रत ने सारी जमात को खड़ा कर लिया और फरमाया कि बताओ इस पानी का कुछ फ़ायदा है? सब ने अपने अपने रुमाल से नाक मुँह लपेट लिया और कहने लगे कि इतनी गंदी बदबू है कि हमसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हज़रत फरमाने लगे अच्छा ये बताओ कहीं आग लग जाए तो उस आग को बुझाने के लिए ये पानी इस्तेमाल हो सकता है? तो सारी सोच में पड़ गए कि हाँ हज़रत फिर तो ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। तो हज़रत फरमाने लगे इसी तरह आज का मुसलमान ईमान आमाल के एतबार से खा कितना गंदा क्यों नहीं है, अगर ये दीन की मेहनत को करे तो हज़ारों लाखों इंसानों की कब्रों में लगने वाली आग इसके ज़रिए से बुझ सकती है।